हे गाइस, अगर आप भी अपने मोबाइल के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल पे 0 सब्सक्राइबर से लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से, जिसमें आप अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्टिंग का इंट्रो ऐड कर सकते हैं और अपने लाइव स्ट्रीम एंडिंग का भी इंट्रो ऐड कर सकते हैं, और भी कई सारे ऐसे फीचर हैं जो कि आप अपनी लाइव स्ट्रीम में ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मोबाइल पे ही करके दिखाने वाला हूं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमें कैसे अपने मोबाइल के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल पे 0 सब्सक्राइबर से लाइव स्ट्रीम करना है, ये जानने के लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, तो हम आ गए सिंपली अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद में आपको सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में टैप करना है और यहाँ पे आपको प्रिज्म सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे आप प्रिज्म सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वाला एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, ये मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है तो मैं सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जो हमारा प्रिज्म लाइव स्टूडियो एप्लीकेशन है वो ओपन हो रहा है। दोस्तों, ओपन होने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। सबसे ऊपर आ जाता है प्रिज्म लाइव स्टूडियो और उसके बाद में यहाँ पे आप किस प्लेटफॉर्म से लॉगिन करना चाहते हैं आप लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विच एंड कंटिन्यू विद एप्पल। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं गूगल को चूज करूँगा और यहाँ पे मैं किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है प्लीज ग्रांट द फॉलोइंग परमिशन यूज प्रिज्म ऐप कैमरा माइक्रोफोन मीडिया। दोस्तों, आपको इन तीनों परमिशन को अलाउ कर देना है। रिकॉर्ड आइडियो को हो जाएगा और यहाँ पे मीडिया एंड फाइल्स का हो जाएगा। दोस्तों, तीनों का अलाउ करने के बाद में कुछ प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आ रहा है सेट योर क्रोमा की बैकग्राउंड एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग। दोस्तों, यहाँ पे आप अपना क्रोमा की सेट करके अपनी लाइव स्ट्रीम को कर सकते हैं, जो कि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे आपको क्रोमा की वगैरह सेट करना है। अभी के लिए आपको सिंपली इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में दोस्तों, आपको इस 3 डॉट पे आना है और आपको अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में पकड़ लेना है, जैसे आप पबजी वगैरह खेलते हैं। दोस्तों, आपको लैंडस्केप मोड में पकड़ने के बाद में आपको राइट स्वाइप करना है। राइट स्वाइप करने के बाद में यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मीडिया, म्यूजिक, टेस्ट, विगेट एंड स्क्रीन कास्ट। आपको सबसे पहले मीडिया पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 लेयर चूज कर लेनी है। एक आपको लाइव स्ट्रीमिंग एंडिंग की एंड यहाँ पे एक स्टार्टिंग की एंड यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। दोस्तों, आपको 3री लेयर इसलिए चूज करना है क्योंकि अगर आप चेंज करते हैं, जैसे स्टार्टिंग से आप स्क्रीन कास्ट में जाते हैं तो बीच में आपका वो दिखाई देगा, जैसे आप सब्सक्राइब नाउ का यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहे वो यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी लेयर हैं आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इसे फुल स्क्रीन कर लेना है और आपको कुछ इस तरीके से अपनी फुल स्क्रीन पर कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर करते हैं वैसे ही आपकी लाइव स्ट्रीम में दिखेगा। उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पर राइट स्वाइप करना है और आपको एंडिंग स्ट्रीमिंग पे क्लिक करना है और आपको इसे भी फुल कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको फिर से टैप करना है और आपको राइट स्वाइप करना है और आपको 3rd वाली लेयर पे फिर से करना है और उसके बाद में आपको इसे फुल कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों, अगर आप अपनी लाइव स्ट्रीम को यहाँ से स्टार्टिंग से एंडिंग में आते हैं तो बीच में ये वाला आपको कलर दिख जाएगा। बट दोस्तों, यहाँ पे आपको कलर कोई नहीं यूज करना है, आप यहाँ पे सब्सक्राइब एनिमेशन कोई बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे अगर राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ जाता है म्यूजिक। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये जो म्यूजिक है आपका बैकग्राउंड में बजता रहेगा। उसके बाद में 3rd ऑप्शन आ जाता है टेस्ट का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे टेस्ट के ऑप्शन आ जाते हैं जो कि आप अपनी लाइव स्ट्रीम में यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, आपको वहाँ पे चलते दिखाई देंगे। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सोशल का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया के लिंक वगैरह दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से, वहाँ पे आपको आते दिखाई देंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे प्रिज्म लाइव आ रहा है। बट दोस्तों, मैं यहाँ पे टेक विद जितेंद्र यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, टेक विद जितेंद्र। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ पे आपको इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना, जो भी आप यहाँ पे फॉन्ट अपना रखना चाहें, जैसे कि मैं नोटो सिर्फ रख लेता हूँ। उसके बाद में अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं। अभी के लिए मैं येलो यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो कलर चेंज करने के बाद में अगर आप इसकी ओपेसिटी वगैरह कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे 100 कर देता हूँ और उसके बाद में डन कर देता हूँ।
तो डन करने के बाद में अब आपको ये विकेट वाली लेयर पे क्लिक करना है और आप इसे चूज कर लेना कि आपको इसे कहाँ दिखाना है। दोस्तों मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ और आपको फिर से एक बार इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका टेक विजिटिन दिखाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे आपको विकेट पे क्लिक करना है। विकेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रिज्म लाइव विकेट एंड वेब। दोस्तों यहाँ पे मैं प्रिज्म चैट विकेट के बारे में बताने वाला हूँ, वेब के बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पे चैट विकेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको चार स्टाइल दी जाती हैं, बट यहाँ पे जो मेरी फोर्थ स्टाइल है वो बहुत ही देखने में अच्छी लग रही है, तो मैं फोर्थ वाली ही चूज कर लेता हूँ। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं और इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और ऊपर आपको ओपेसिटी मिल जाती है और इससे अगर आप ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको इसे सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे कुछ ये चार पांच लेयर हो गई हैं। उसके बाद में दोस्तों ये जो स्क्रीन कॉस्ट है इसे आपको बाद में चालू करना है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको लेफ्ट स्वैप करना है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपका दिख जाता है। दोस्तों यहाँ पे मेरा जो स्टार्टिंग का टेम्पलेट लगा हुआ है तो मैं सिंपली इसे एक बार क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ जाता है सेट डिटिनेशन। दोस्तों आपको यहाँ पे सेट डिटिनेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके कई सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विच, यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जिस पे आपको लाइव स्ट्रीम करना हो, आपको सिंपली उसे चूज कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यूट्यूब के बारे में बताने वाला हूँ, तो आपको सिंपली यूट्यूब पे क्लिक कर लेना है। यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, कनेक्ट यूट्यूब, यूट्यूब कस्टम आईटीएमपी। आपको सिंपली कनेक्ट यूट्यूब पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कनेक्ट यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। दोस्तों आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन करनी है जिस पर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ हो और उस पर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो। दोस्तों जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है प्रिज्म लाइव स्टूडियो 1 to access योर गूगल अकाउंट। आपको सिंपली इसे अलाउ कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसे अलाउ करेंगे तो आपका जो यूट्यूब चैनल होगा वो प्रिज्म एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी चूज कर सकते हैं, आप अपनी लाइव स्ट्रीम को पब्लिक, अनलिस्टेड या प्राइवेट करना चाहते हैं। अब अगले मैं अनलिस्टेड चूज कर लेता हूं। दोस्तों अनलिस्टेड चूज करने के बाद में आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप अपनी लाइव स्ट्रीम की रेजोल्यूशन यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 720p ऐड है, बट यहाँ में मैं 360p में कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड है बहुत ही स्लो है। उसके बाद में एडाप्टिव बिटरेट इसे आपको ऑन रखना है और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका यहाँ पे 60fps सपोर्ट करता है तो आपको यहाँ पे 60fps क्लिक कर लेना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे नीचे आना है और की फ्रेम इंटरवल यहाँ पे 1s ही रखना है। उसके बाद में आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आ रहा है प्लीज इंटर द टाइटल। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको अपनी लाइव स्ट्रीम का टाइटल दे देना है, जो भी आप अपनी लाइव स्ट्रीम का टाइटल देना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ एग्जांपल। एग्जाम्पल देने के बाद में अब आप मैं इसे डन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो टाइटल है वो हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो इमेज का लोगो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, यूट्यूब थंबनेल सेट इंट्रो। आपको सिंपली यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है। यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके अब आप यहाँ पे अपना थंबनेल चूज कर सकते हैं, जो भी आप अपना थंबनेल चूज करना चाहते हो। जैसे कि मैं ये वाला थंबनेल चूज कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और उसके बाद में आपको सिंपली इसे डन कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसे डन करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपका रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने टाइटल भी दे दिया है और यहाँ पे हमने प्राइवेसी भी चूज कर ली, सब कुछ यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद में दोस्तों आपको लाइव वाले लोगो पे क्लिक करना है और जैसे ही लाइव वाले लोगो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग इन लैंडस्केप मोड। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे 3 सेकंड बाद जो आपकी लाइव स्ट्रीम होगी वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इसे प्ले कर देना है। जैसे आप इसे प्ले कर देंगे तो आपकी लाइव स्ट्रीम में ये दिखने लगेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको राइट स्वैप आना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन कॉस्ट को क्लिक करना है और इसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन होगी वो यहाँ पे कास्ट होने लगी, मतलब कि लाइव होने लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन से लाइव करने से पहले आपको जो भी अपना गेम प्ले लाइव करना हो उस गेम को आपको बैकग्राउंड में रन कर लेना है। उसके बाद में आपको प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन से लाइव करना है। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको यहाँ पे एंडिंग वाली टेम्पलेट चलाना है तो आपको सिंपली प्रिज्म लाइव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको राइट स्वाइप करके यहाँ पे आ जाना है।
राइट स्वाइप करके जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो आपकी इंटिंग वाली लेयर है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको इसे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इसे इंड करना है तो यहाँ पे आपको राइट साइड में सबसे ऊपर इंड दिख रहा है, आपको सिंपली इंड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो हमने लाइव स्ट्रीम की थी वो यूट्यूब पर कैसे दिख रहे। तो दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देखिए लाइव स्ट्रीम की थी 1 मिनट 16 सेकंड की, तो मैं इसे सिंपली यूट्यूब पे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी लाइव स्ट्रीम थी यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे मैं आपको स्किप करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मेरी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो भी यहाँ पे आ गई, जैसे कि आप यहाँ पे फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो एंडिंग वाली टेम्पलेट थी वो भी यहाँ पे आ गई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्रिज्म लाइव स्टूडियो एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल से अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन तो हमें इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं जो कि हमारा यूजर नेम है टेकविजितेन। अगर दोस्तों आप अपनी लाइव स्ट्रीम में सब्सक्राइबर ओनली चैट मोड ऑन करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपके सब्सक्राइबर ही चैट कर पाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं ये वाली वीडियो। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल के थ्रू अपने फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं ये वाली वीडियो। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, बाय बाय।